नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरीशंकर सोनी है। राजस्थान फोरम द्वारा आयोजित थिएटर कैनवास सीरीज के अंतर्गत वर्चुअलाइजेशन के द्वारा मैं आपके सामने आज अपने आर्ट वर्क अपनी कला के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आया। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा जो आर्ट शुरू होता है, जहाँ से अपन बात करेंगे कहाँ से मैं आर्टिस्टिक जर्नी शुरू हुई, तो बचपन से मेरा जो एक इंटरेस्ट था वो शुरू से बचपन से मेरा आर्टिस्ट आर्ट में इंटरेस्ट रहा। और मेरी स्कूलिंग जो है वो यहाँ से दूर श्री माधोपुर गांव है मेरा, वहाँ पे भी वहीं पे मेरा जन्म हुआ। वहाँ से स्कूलिंग करने के बाद मैंने जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया। वहाँ पे मैंने अपनी आर्ट एजुकेशन पूरी की डॉक्टर विनीता सागर उपाध्याय जी के सानिध्य में। मेरी जो आर्ट वोकैबुलरी है, जो मैं अपने वर्क के अंदर करता हूँ, वो शुरू से डेवलप होती गई। मेरा जो वर्क के अंदर फिगर है, एक फिगरेटिव अप्रोच है, वो बचपन से मेरे वर्क के अंदर रही है। मतलब मैं बात करूँ तो लोगों के बीच में रहना, उनके हावा, उनके एक्सप्रेशन, उनकी वेशभूषा, ये सब मुझे आकर्षित करती रही है। और मैं राजस्थान जैसे जो रिच कल्चर है राजस्थान का, वहाँ पर ऐसी जगह पर रहता हूँ जहाँ पे इसे किसके प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है। जयपुर में एडमिशन लेने के बाद स्कूल पार्ट जो हमारा कॉलेज था वो बिल्कुल सेंटर में था। वहाँ पे आना जाना, मूवमेंट करना, तो हर जगह मुझे बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती थी। स्कूल कॉलेज के अंदर हम जो स्टडी करते थे, चाहे स्केच करना हो, पोर्ट्रेट बनाना हो, उन सब के अंदर मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा और मेरे वर्क के अंदर वही चीज़ें आने लग गई। और धीरे धीरे मेरे वर्क को एक दिशा मिलती गई और आज जो मैं काम कर रहा हूँ वो वही दिशा का एक परिपक्व रूप है। आगे मैं अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए मैं ये बताऊंगा कि पेंटिंग के साथ साथ मैंने प्रिंट मेकिंग भी की है और समय समय प्रिंट मेकिंग भी करता हूँ और पेंटिंग मुख्य रूप से मैं करता हूँ, इंस्टॉलेशन भी करता हूँ। मैं आपको अपने कुछ प्रिंट्स दिखाता हूँ और उनके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरे कुछ प्रिंट मेकिंग किए हुए हैं। प्रिंट मेकिंग में मेरा जो मेन टेक्निक जो है वो एक्वाटिंट है। एक्वा टिंट प्लेट के ऊपर लाइन ड्राइंग करके उसके ऊपर अपना जो ड्राइंग है वो करके एक प्रोसेस है पूरा। जिंक प्लेट पे मैंने ये काम किया है। पेंटिंग के अंदर जहाँ डायरेक्ट अप्रोच मिलती है, डायरेक्ट हमको रिजल्ट मिलता है, प्रिंट मेकिंग में हमें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मिलता है। हम काम करते हैं और जब हम काम कर रहे होते हैं प्लेट के ऊपर, उस टाइम पे हमें रिजल्ट का नहीं पता होता है, इनडायरेक्टली हमको मिलता है। और जब प्रिंट लेते हैं तब हमको रिजल्ट का पता चलता है कि हमने इसमें क्या काम किया है। और जो मैं डेडिकेशन जिस अप्रोच के साथ मैं पेंटिंग ड्राइंग में मैं काम करता हूँ, उसी अप्रोच को मैंने प्रिंट मेकिंग में मैं लाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखो जैसे ये प्रिंट्स हैं, इसके अंदर जितना डिटेल मैं निकाल सकता हूँ उतना मैं इसमें अपना 100% में देता हूँ। और एक सरियलिस्टिक अप्रोच के साथ मैं अपने वर्क के अंदर काम करता हूँ।
फिगर्स को, लोगों के जो ह्यूमन फिगर हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस के साथ प्ले करना, उनको अलग अंदाज के साथ में उनके साथ ड्रामेटिकली अप्रोच के साथ काम करना, ये एक मेरा वर्क है जिसमें मैंने जो फिगर ड्राइंग है एक पार्ट ऑफ बॉडी उसको सिंप्लीफाई लाइंस के थ्रू एंड शेड्स के थ्रू मैंने इसमें काम किया। ये भी प्रिंट है, एचिंग एक्वा मैंने इसमें किया है। ये एक प्रिंट है जो टू पार्ट्स में है, कंप्लीट प्रिंट आपको ये नजर आएगा। ये दो प्रिंट मिलके एक बड़ा प्रिंट बनते हैं। यहां पर भी आप देखेंगे तो एक ह्यूमन फिगर है, उसको एक सरलिस्टिक अप्रोच के साथ फैंटेसी क्रिएट करते हुए मैंने अपने प्रिंट में काम किया है। और थोड़ा सा जैसे इसमें आप देखेंगे कि मेरा जो एक इंटरेस्ट है कि डिटेल के साथ काम करना, उसके एक्सप्रेशन उनके साथ काम करना, जब तक ये चीज़ नहीं आती है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ये एक और मेरा एक प्रिंट है, ये भी एचिंग प्रिंट है, इसमें भी मैंने एक्वा टिंट किया है लाइन ड्राइंग करके। प्रिंट के अंदर ही मुझे वही ड्राइंग क्वालिटी मेरे काम के अंदर नजर आती है। मेरे इस वर्क के अंदर एक आप देखें पॉपुलेशन है, काफ़ी ग्रुप फिगर हैं, काफ़ी भीड़ हैं लोगों की। और जैसे अभी आपने इस प्रिंट में देखा कि लोग जो हैं एक दूसरे के साथ, जैसे हम कुछ गुनते हैं उस तरीके से एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, उलझे हुए हैं। उस टाइम पे एक ये एक अप्रोच थी मेरी, इसी अप्रोच के साथ मैंने काम किए हैं, ड्राइंग्स भी किए हैं। लेकिन धीरे धीरे आगे काम करते करते मैंने सिंगल फिगर को अलग अलग फ्लेवर के साथ, अलग एनवायरनमेंट के साथ, अलग सरफेस के साथ मैंने काम किया, जिसमें आप देखेंगे जैसे पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग करते करते जब आप पेंटिंग पे आते हैं तो काफ़ी सारी चैलेंजेज आपके सामने आते हैं, वो मैंने भी फेस किए हैं। क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है आपका, और जो मैंने वर्क किया वो एक मोनोक्रोमेटिक थे, तो उसके बाद फुल ऑफ कलर के साथ काम करना ये भी चैलेंज है। जो मैं चाहता था अपने वर्क के अंदर, जो मैंने ड्राइंग पेंटिंग में प्रिंट मेकिंग में किए, वो चीज़ें पेंटिंग में लाना तभी पॉसिबल है जब मीडियम का करेक्टर, उसका जो स्वभाव है वो आप समझे। तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते ये जो मुझे डायरेक्शन मिला, दिशा मिली और मुझे इसमें जो रिजल्ट्स मिले उन सबको कलेक्ट करते हुए मैं अपने काम में आगे बढ़ता गया। मेरे वर्क में जो सोर्स है, ये इमेजेस फिगर्स जो सोर्स है वो मेरे सराउंडिंग से आता है। जाने अनजाने काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, माइंड में वो आती हैं और अपने वर्क के थ्रू मैं उनको अपने कैनवास के पे लेके जाता हूँ। अभी पेंटिंग के अंदर एक फॉर्म एलिमेंट जो है वो है सर्कल होल, जो मेरे पेंटिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। ये एक इंडिविजुअलिटी सेपरेसी को रिप्रेजेंट करता है,
मैं थोड़ा सा अब आगे आपके साथ जो बात कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं काम करते आपके साथ एक डेमो भी होगा, मैं उसके साथ आपके साथ कि किस तरीके से मैं अपने काम को डेवलप करता हूँ, कैसे वो बिल्डअप होता है। मेरे जो वर्क है उसके अंदर कुछ पार्ट तो प्री प्लान होता है और काफ़ी सारी चीज़ें मेरी प्लान होती है। जब मैं अपने वर्क के अंदर सरफेस पे काम करता हूँ, बिल्कुल फ्री होके काम करता हूँ, उसका कोई प्री प्लान मेरा नहीं रहता है और उसके साथ बहुत प्ले करता हूँ। फ्लैट सरफेस पे एक मतलब इसमें मैं मल्टी लेयर में काम करता हूँ। फोम के साथ कलर के साथ सरफेस के अभी ये एक लेयर मैंने व्हाइट कलर की है, उसके बाद मैं इसके ऊपर अलग अलग लेयर करता हूँ। मुझे कलर्स इसके ऊपर सेकंड लेयर कलर की, फिर थर्ड लेयर, ऐसे करके मुझे ये एक नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो मुझे एक बेस मिलता है। कई बार मैं इसको बिल्कुल प्लेन रखता हूँ और कई बार मैं इसको टेक्सचर के साथ प्ले करता हूँ। नेक्स्ट स्टेज में जिसमें इसके बाद मैं जो अपने वर्क के अंदर टेक्सचर के साथ प्ले करता हूँ, जिसमें मैं डिफरेंट कलर भी लेता हूँ कई बार। इस तरीके से जो पेंटिंग के साथ जो मेरा एक रिलेशन बनता है वो बहुत मज़ेदार बनता जाता है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अलग अलग टाइम पे मैं करता हूँ कलर टेक्सचर्स फॉर्म्स के साथ। ये सूखने के बाद मेरी नेक्स्ट स्टेज जो है वो आती है ये, इसमें फिर मैं फिगर्स को लेके जाता हूँ और फिगर्स जो है उसका जो सोर्स है शुरू से इतना स्टडी हुआ है, इतना देखा है, इतना नोटिस किया है और काफ़ी स्टडी करते करते आज बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्रिएट होती हैं।
कई बार मैं फोटोग्राफी करके पर्टिकुलर चीज का स्टडी भी करते हैं, उसका भी आता है, लेकिन मोस्टली मैं जो है मेरा लाइव स्टडी जो करता हूँ वो मेरे फिगरेटिव उसमें वर्क में नजर आता है, उसी को लेके मैं काम करता हूँ। ये एक पर्टिकुलर चीज का स्टडी भी करते हैं, बिजनेस का भी होता है वो, लेकिन मोस्टली मैं जो ये एक विंडो जो मैंने क्रिएट की है, इसके बाद यहाँ पे मैं फिगर का बेस जो मुझे है वो मिलता है। ये मैंने कुछ पहले से किया हुआ है, क्योंकि ऐसे तो टाइम में प्रोसेस में टाइम लगता है। अब ये मल्टी लेयर में कंप्लीट होता है, अब ये ड्राई होए तब तक मैं अपने वर्क के बारे में आपको और मैं बात करता हूँ। हाँ, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि एक ग्रुप जो फिगरेशन जो मेरा वर्क में मैं करता हूँ, कई बार मैं पेंटिंग में वो चीज़ लेके आता हूँ। ये मेरा एक और वर्क है, ये एक्रेलिक है, इसका साइज है 5x5 feet एक्रेलिक ऑन कैनवास। और जो पेंटिंग का सरफेस है उस पे 3D जो इफेक्ट मैं देता हूँ, जिससे फिगर के अंदर और पेंटिंग के अंदर एक इंटरेस्टिंग एक डायलॉग क्रिएट होता है। वो चीज़ जो फ्लैट सरफेस पे मैं फिगर के साथ है, वही चीज़ को मैं अपने एक्सपेरिमेंट मैंने किया और पेंटिंग के साथ 3D ऑब्जेक्ट को मैंने असेंबल किया। ये मेरा एक इस अलग सीरीज है जिसके अंदर मैंने 3D ऑब्जेक्ट को पेंटिंग के साथ असेंबल किया है, और इसमें फिगर अंदर बाहर निकल रहे हैं और इनको आप टच भी मतलब बिल्कुल फील कर सकते हैं। जहाँ पे पेंटिंग में हमें एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि हाँ फिगर है और वो शेडो नजर आती है उसके अंदर, एक ड्रामेटिकली उसके अंदर एक हमें मजा आता है। ये चीज और ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। और बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं जैसे काफी सारी टेक्सचर्स और लेयर हैं, कई बार सरफेस पे मैं जो टेक्सचर आप देख रहे हैं जैसे
ओल्ड वॉल हैं, पुरानी जो वॉल होती है उसका इफेक्ट भी आता है, क्योंकि बहुत सारे जयपुर के अंदर मोनूमेंट्स हैं, उनका इम्प्रेशन कहीं ना कहीं जो अपने मेरे मानस पटल पे जो एक सोच पे रहता है वो आता है इसमें पेंटिंग के थ्रू। मेरे वर्क में फुल साइज में है तो 6x6 इंच में मैंने काम किया है, जहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल फिगर को लेकर मैंने काम किया है। उसका हर आदमी का अपना एक स्टोरी होता है, हर एक की अपनी कहानी, स्थिति, सराउंडिंग्स होती हैं। तो ये जो मेरी सीरीज है, ये डिजायर, इसका मैंने टाइटल दिया है। बॉक्स कैनवासेस हैं ये 6x6 इंच में। पेंटिंग में काम जब करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं पेंटिंग के बाहर जाने को मजबूर करती है। जैसे हम इंस्टॉलेशन भी करते हैं तो मैंने अपने वर्क काफ़ी सारे काम मैंने इंस्टॉलेशन में किए हैं। इसमें कुछ है जैसे ये चरखी, जिससे आप काफ़ी सब परिचित होंगे, इसकी साइज 4 फीट की है। मेरा एक इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट था, उसका नाम था डोर। बचपन से पतंग उड़ाना, ये जो काइट फेस्टिवल है सभी जानते हैं, सभी का मैं समझता हूँ फेवरेट होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट होता है चरखी, वो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्या उसको एज एन आर्टिस्टिक हम उसको देख सकते हैं। तो ये चीज़ पे जब एक्सपेरिमेंट किया, उसके साथ काम किया, कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि उस चरखी से जब डोर निकलती है तो उस पर जो इमेजिनरी जो पेंट की है मैंने, वो भी उसके साथ निकल जाती है। और जब हम वापस उसको अपनी चरखी पे लेके आते हैं तो इमेजिनरी जो है वो चली जाती है, जस्ट कुछ पार्टिकल्स, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म बचती है। तो इस सीरीज पे मैंने काम किया। इसके जो नेक्स्ट फिर जो इंस्टॉलेशन था वो मेरा वायर स्कल्पचर का था, जो डोर जो है वो निकल के अलग अलग रूप लेती है। ये एक सरलिस्टिक अप्रोच का ही नेक्स्ट मेरा वर्क है। इसमें आप देख रहे हैं अलग अलग फॉर्म हैं ह्यूमन फिगर्स की, जो सराउंडिंग्स में हमको देखते हैं उन सब का एक वायर स्कल्पचर। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए काम करना, वायर को बड़ा इजीली फोल्ड करना। ये जो चीज है कहीं ना कहीं ये मेरे फैमिली जो बैकग्राउंड है मेरा, वो गोल्ड स्मिथ यानी सोनी है, तो इससे प्ले करना मेरे लिए बहुत मज़ेदार रहा, क्योंकि मैंने काफ़ी ऑर्नामेंट ज्वेलरी में काम किया है। तो हर फिगर का एक अलग ढंग से उस वायर के साथ, यानी वो वायर एक इस वायर के साथ ड्राइंग की फीलिंग भी आती है। तो जैसे वायर को फोल्ड करके ड्राइंग करना जैसा मुझे फील हो रहा था।
मेरे काम के अंदर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि सरफेस के साथ, फिगर में काम करना, डिटेल के साथ, तो इसमें मुझे टाइम लगता है। कई बार मैं सरफेस के ऊपर जो टेक्सचर है उसमें मैं इमेजरी को एज ए टेक्सचर के रूप में काम में लेता हूँ, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए। अब जैसे ये मेरा एक वर्क है, इसमें आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड के अंदर जो एक इमेज है एंशिएंट जो इंडियन स्कल्पचर का, एक हल्का सा उसका एक फ्लेवर है। ये बात, ये जो वर्क है जिसमें काइट फेस्टिवल से इंस्पायर होके मैंने ये काम किया है, इसमें इस सीरीज में मैंने काफी काम किए हैं। मेरे वर्क के अंदर जो फिग्रेशन है वो जैसे दिखते हैं एज इट इज़ वो मेरे वर्क में नहीं आते हैं, उनको मैं मेरे अंदाज में किस तरीके से उनको मॉडिफाई करना है, किस तरीके से फैंटेसी क्रिएट करनी है, ये एक्सरसाइज होती है मेरे काम के अंदर। फिर उसी जो मुझे जैसे इसमें करना होता है उसी को उसी तरीके से फिर मैं अपने वर्क के अंदर लेके आता हूँ।
कई बार कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिससे वर्क के अंदर और ड्रामेटिकली कैसे इसको लाया जाए, उस पर मैं सोचता हूँ, उसके ऊपर में भी मैं काम करता हूँ कि उसको और कौन सा कैसे अपन किया जाए। आपने अभी मेरा ये इंस्ट्रक्शन वर्क देखा, इसी का एक छोटा सा वीडियो है जो मेरे मैंने लाइव इसको बनाया है। आप देख रहे हैं इसमें जो ऑब्जेक्ट है चक्की, वो कैसे एक इमेज है जो डोर के साथ निकलती है और उसके साथ निकल के पूरे यूनिवर्स में गायब होती है, उसमें मिक्स हो जाती है, उसी का पार्ट बन जाती है। इसी का एक नेक्स्ट पार्ट है, अभी ये जस्ट सूख रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है मेरे वर्क में, वो मैं फिगर के अंदर डिटेलिंग वर्क करना करने का होता है। जैसे मैं ड्रॉइंग्स प्रिंट मेकिंग में करता हूँ, वही फीलिंग ड्रॉइंग्स की मेरे वर्क के अंदर मुझे मिलती है। अभी जैसे ये वर्क मेरा रनिंग में है, इसमें जो स्टेज आपको दिखाई अभी जिसमें फ्लैट एक बैकग्राउंड सरफेस किया हुआ था, फिर नेक्स्ट उसके अंदर फिगर को डेवलप करना, ये मेरे वर्क का प्रोसेस है।
धीरे धीरे ये प्रोसेस अपने वर्क के अंदर इम्प्रूव करता हूँ फिगर को, और इसमें समय लगता है और आप देख रहे हैं। स्टेज आती है और अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग इमेजेस को लेके मैं पूरी डिटेल के साथ, पूरी ड्रामेटिकली इफेक्ट के साथ, सरलिस्टिक अप्रोच के साथ मैं काम करता हूँ। दोस्तों, ये जो आज चर्चा है, जो आपके साथ ये शेयरिंग हुई है, वार्तालाप हुई है, आशा करता हूँ आप सभी को इसमें आनंद आया होगा और आप सभी ने इसमें हिस्सा लिया, शुक्रिया करता हूँ। इसमें संदीप गुरेट, संदीप उतोरिया जी, सुरेश भट्ट जी, डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस सीरीज़ के लिए आमंत्रित किया और ये मुझे मौका दिया। श्री सीमेंट को मैं धन्यवाद देता हूँ, रास्ता फोरम द्वारा ये जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म एक क्रिएट किया गया, आयोजित किया गया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी दोस्तों को मेरे साथ इस फेसबुक लाइव पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।